Hello, a very good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to see a disease that is Addison's disease. So Addison's disease is a disease of the adrenal gland. ये है आपकी adrenal gland जो कि आपकी kidney के ऊपर situated होती है. Addison disease का name कैसे पड़ा? Addison name के एक physician थे जिन्होंने इस डिजीज को डिस्कवर किया. सबसे पहले उन्होंने ही इस डिजीज को नोटिस किया था. एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिनका कंप्लीट नेम थॉमस एडिसन था. उन्होंने ही सबसे पहले इस डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स देखे और अपने ही नेम पर इस डिजीज को कह सकते हैं कि अपना नेम इसको दे दिया. चलिए देख लेते हैं कि क्या डिजीज है, एड्रेनल ग्लैंड क्या है. इसके बाद हम आगे चल के सारी चीजें इसके बारे में देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज एड्रेनल ग्लैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड. तो ऑन बोथ किडनी वी आर हैविंग एड्रेनल ग्लैंड. सो दो किडनी होती है तो वी आर हैविंग टू एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है. ये बहुत सारे चीजों को लाइक हैंडल करती है बॉडी के. तो सबसे पहले अगर इस एड्रेनल ग्लैंड को कट ऑफ करते हैं, कट करते हैं बीच से, तो आपको दो पोर्शन देखने को मिलेंगे. एक डार्क पोर्शन जिसको हमने मेडुला बोल दिया, इसका कंप्लीट नेम एड्रेनल मेडुला है, और एक लाइट पोर्शन जिसको हमने एड्रेनल कॉर्टेक्स बोल दिया. एड्रेनल मेडुला अलग तरह के हार्मोन रिलीज करता है और एड्रेनल कॉर्टेक्स अलग तरह के हार्मोन रिलीज करता है. एडिसन डिजीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है वो आपके आउटर पोर्शन में हो रही है, दैट मींस एड्रेनल कॉर्टेक्स में हो रही है. तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इट्स मीन जो भी इसके अंदर से हार्मोन्स निकलेंगे उसी में कोई ना कोई डिसबैलेंसिंग होगी. चलिए आगे देख लेते हैं. नॉर्मली फंक्शन कैसे होता है ये देखते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपका ब्रेन है. ब्रेन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं. हाइपोथैलेमस से एक छोटी सी ग्लैंड पेयर, वन पेयर ऑफ अ ग्लैंड अटैच होती है. दैट ग्लैंड इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड. ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स को हार्मोन निकालने में हेल्प कराती है. इस डिजीज में होता क्या है कि हार्मोन का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाता है. कैसे डिक्रीज हो जाता है? सबसे पहले उसके लिए जानने के लिए आपको नॉर्मल फंक्शन पता होना चाहिए. तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस जो कि आपके ब्रेन के अंदर है वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, बाहर निकालता है. ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि उसको ACTH निकालना है, दैट इज एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन. तो कॉर्टिकोट्रोपिन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि उसको ACTH दैट इज एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करना है. तो एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन के नेम से ही पता चल रहा है कि ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर जाएगा, राइट. तो ये ACTH जब रिलीज हो जाता है तब ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर जाके एक्ट करता है. अब अगर ये एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर जाके फंक्शन कर रहा है तो इट्स मीन कि ये हॉर्मोन्स निकाल रहा होगा, राइट. आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से हॉर्मोन्स निकल रहे होंगे. कौन कौन से हॉर्मोन्स? ग्लूकोकॉर्टिकोइड हॉर्मोन, एंड्रोजन हॉर्मोन एंड एल्डोस्टेरोन हॉर्मोन. तो मैंने आपको बताया था कि इस डिजीज में हॉर्मोन्स डिसफंक्शन होते हैं या आप कह सकते हो कि हॉर्मोन डिक्रीज हो जाते हैं. तो ये तीनों हॉर्मोन डिक्रीज हो जाएंगे और इन तीनों का फंक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज हॉर्मोन्स. ये देख लेते हैं हम, क्योंकि हॉर्मोन्स के अगर फंक्शन डिक्रीज होंगे तो आपको फंक्शंस भी पता होने चाहिए. तो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स जो कि डार्क सॉरी लाइट कलर का आउटर पोर्शन होता है वो तीन तरह के हार्मोन निकालता है. फर्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकोइड जो सबसे ज्यादा फंक्शन कर रहा होता है. फॉर एग्जांपल इम्यून सप्रेशन करता है, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है. कभी आपने सोचा है, आप सोच रहे हो कि दिस इज एबनॉर्मल? नो,
दिस इज नॉट एबनॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एक्चुअली. क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आपकी बॉडी में लिमिट से ज्यादा भी ठीक नहीं है एंड लिमिट से कम भी ठीक नहीं है, राइट? तो अगर ज्यादा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो मे बी वो आपके ही ऑर्गेन को हार्म कर दे, ठीक है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इम्यूनो सप्रेशन का काम करता है. जितना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए उतना ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. नेक्स्ट है आपका वेट गेन. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपका वेट गेन कराने में भी हेल्प करता है. इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्ट करके रखता है, इंसुलिन का इफेक्ट लिमिट करके रखता है. बहुत ज्यादा इंसुलिन आपके बॉडी को हार्म कर सकता है, वो इसलिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, कि वो ग्लूकोज को लिमिट करके रखता है और ग्लूकोज आपकी बॉडी में एज एन एनर्जी वर्क करता है. तो अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और कोई चीज उसको रोकने के लिए नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी? प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत लो हो जाएगा और आप फेंट हो जाओगे. नेक्स्ट है आपका ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी. तो आपको पता होना चाहिए आपकी बोन्स को बनाने के लिए, ओल्ड बोन को कह सकते हैं इंगल्फ यानी खत्म करने के लिए स्पेशल सेल्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि आपके बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो कि आपके बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं, एंड ऑस्टियोसाइट्स आपके ऑस्टियोब्लास्ट की हेल्प करते हैं. तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ाता है, यानी कि पुरानी बोन को डिस्ट्रॉय करने के जो सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट है बीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इतने सारे फंक्शन है. दूसरा है आपका एंड्रोजन. एंड्रोजन आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मींस होता है वॉइस चेंज होना 18 इयर्स के बाद, हेयर्स आ जाना, प्यूबिक हेयर्स आ जाना, अंडर आर्म हेयर्स आ जाना, चेस्ट का, ब्रेस्ट का, हिप्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना, साइज चेंज होना, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आना गर्ल्स में, दीज ऑल आर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाता है? हमारा एंड्रोजन. थर्ड है आपका एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन सोडियम के लेवल को इंक्रीज करके रखता है, सोडियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि आपका सेलुलर फंक्शन आराम से हो सके. तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स की हॉर्मोन्स की हेल्प से. अब अगर ये हॉर्मोन्स डिक्रीज हो जाएंगे तो इन सारा, ये जितना भी सारा फंक्शन हो रहा है ये अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा. जैसे वेट लॉस होने लगेगा, इंसुलिन बढ़ जाएगा, ऑस्टियोक्लास्ट कम हो जाएंगे तो पुरानी बोन्स बनने लगेंगी, इसके बाद इसके अलावा आपका बीपी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज रहने लगेगा, इस तरह के आपके प्रॉब्लम्स आने लगेंगे. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में भी नहीं आएगा, मे बी सोडियम की कमी हो जाएगी तो आपके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, आपके सेल्स नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएंगे. तो ये सारी चीजें थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, नॉर्मल फंक्शन में. नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंट्रोडक्शन. तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड है एडिसन, ये डिराइव हुआ है बाय द साइंटिस्ट नेम, या कह सकते हैं फिजिशियन के नेम से, तो वो हैं हमारे एडिसन, थॉमस एडिसन. ये एक ब्रिटिश फिजिशियन थे जिन्होंने रीनल पे लाइक वो इनसफिशियंसी पे इन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया और इन्होंने पता लगाया कि हाँ रीनल इनसफिशियंसी की वजह से कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम आ सकती है. तो इसका नेम कैसे पड़ा? इन्होंने अपने ही नेम से इस डिजीज का नेम डाल दिया, दैट इज एडिसन्स डिजीज. कौन सी ग्लैंड इन्वॉल्व हो रही है? एडिसन डिजीज किस ग्लैंड के अंदर हो रही है? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हो रही है, जो कि जस्ट ऊपर होती है आपकी किडनी के. इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? इनसफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ दी हॉर्मोन्स. जो तीन हॉर्मोन मैंने आपको बताए हैं उनका इनसफिशियंट प्रोडक्शन हो रहा है, इस वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है. क्यों? क्योंकि हर एक चीज बॉडी के डिसबैलेंस हो रही है, जिसका रिजल्ट क्या निकल सकता है? अगर इस डिजीज को कवर अप नहीं किया गया तो ये एडिसन डिजीज एडिसन क्राइसिस में चेंज हो जाएगा, एक क्रोनिक या सीवियर कंडीशन में चेंज हो जाएगा और आपकी डेथ के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन. तो डेफिनेशन बोलती है कि इट इज एन इनएबिलिटी टू सिक्रीट अ सफिशियंट अमाउंट ऑफ द हॉर्मोन फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड. सो मे बी एड्रेनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो अपना हॉर्मोन नहीं निकाल पा रही है. मे बी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड या आपके हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड अपना फंक्शन करने के लिए फेल हो जा रही है.
सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं. इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव एनीमिया, लो बीपी, ग्रेट वीकनेस, ब्रोन्स, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन. तो देखो ये सारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ये सारे सिम्टम्स अगर आपको आ गए तो आप तुरंत ही समझ जाओगे कि आपको एडिसन डिजीज हुई है. ये क्यों हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ. देखो पहली चीज तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे थे जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. एनीमिया क्यों हो रहा है, ओल्ड बोन्स जो है वो कंटिन्यू होती चली जा रही है और न्यू बोन उनकी जगह नहीं बन रही है. तो जब न्यू बोन उनकी जगह नहीं बनेगी, और हम सब जानते हैं कि बोन के अंदर बोन मैरो होता है जो कि ब्लड सेल्स बनाता है, तो न्यू ब्लड सेल्स नहीं बन पाएंगे सफिशियंट और एनीमिया हो जाएगा. लो बीपी इसलिए होगा क्योंकि देखिए सोडियम का लेवल यहाँ पे वहां पे हाई हो रहा था नॉर्मली और यहाँ पे हाई नहीं होगा. प्लस बीपी जो इंक्रीज हो रहा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की वजह से वो भी इंक्रीज नहीं होगा. तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर. साथ ही साथ वीकनेस इसलिए होगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोडियम का काम है आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट कराना. ठीक है, तो आपके सेल्स में एनर्जी सफिशियंट नहीं होगी, दैट्स व्हाई यू विल फील वीकनेस. स्किन का डिसकलरेशन भी इसी वजह से होगा. क्यों, क्योंकि स्किन के जो सेल्स हैं वो नॉर्मली अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ द एडिसन डिजीज. सो इट इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो प्राइमरी एडिसन डिजीज कौन सी होती है, देखो प्राइमरी मीन्स होता है पहला, फर्स्टली. तो फर्स्टली यानी डायरेक्टली अगर आपके एड्रेनल ग्लैंड पे कोई इफेक्ट आया है तो वो प्राइमरी एडिसन डिजीज कहलाएगी. इट इज सेड टू बी द प्राइमरी एडिसन डिजीज. और इनडायरेक्टली अगर आपके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि सेकेंडरी यानी कि तुरंत आपके एड्रेनल ग्लैंड पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, मे बी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे कोई इफेक्ट आया होगा, मे बी आपके हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम आई होगी, तब आपके एड्रेनल ग्लैंड पे कोई असर आया होगा जिसकी वजह से आपके हार्मोन डिसबैलेंस हुए हैं. तो प्राइमरी और सेकेंडरी में यही एक डिफरेंस है कि प्राइमरी में डायरेक्ट जो है प्रॉब्लम आपको एड्रेनल ग्लैंड में मिलेगी, सेकेंडरी में डायरेक्ट एड्रेनल ग्लैंड में प्रॉब्लम ना मिल करके आपको मे बी पिट्यूटरी ग्लैंड में मिले या मे बी आपको हाइपोथैलेमस या ब्रेन में मिले. तो इस वजह से प्राइमरी में डायरेक्ट डैमेज होता है आपका एड्रेनल ग्लैंड के सेल्स का, और सेकेंडरी में मे बी पिट्यूटरी डिफिशियंसी हो या हाइपोथैलेमस प्रॉब्लम हो. एड्रेनल ग्लैंड में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा हार्मोन का, लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आएगी या हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम आएगी तो इनसफिशियंट यानी कि कम प्रोडक्शन होगा हार्मोन का. आई थिंक आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू सी द कॉजेस व्हाई दिस डिजीज आर अकरिंग. तो सबसे पहले ट्यूमर देख लेते हैं. तो तीन जगह ट्यूमर हो सकता है क्योंकि तीन लोग इस हार्मोन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. एक आपके खुद के एड्रेनल ग्लैंड में ट्यूमर हो सकता है, या तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो सकता है, नहीं तो आपके ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है. तीनों जगह ट्यूमर क्या करेगा, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स करेगा और जो नॉर्मल सेल्स का फंक्शन होता है उसको डिले या डिक्रीज कर देगा. नेक्स्ट आ जाता है इन्फ्लेमेशन. तो हम सभी जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है. मे भी वो इन्फ्लेमेशन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में हो, मे भी वो किडनी में हो, मे भी एड्रेनल ग्लैंड में हो, मे भी हाइपोथैलेमस में हो. कहीं पर भी अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो ये सारे लोग आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन रिलीज करने में हेल्प कराते हैं. तो हेल्पिंग मटेरियल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नॉर्मल जो फंक्शन था वो डिले हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस. तो टीबी ऐसा नहीं है कि टीबी आपके सिर्फ एड्रेनल ग्लैंड में टीबी हो इस वजह से हो रहा है. टीबी आपके कह सकते हैं पल्मोनरी टीबी की यहाँ पे बात नहीं चल रही है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी की बात चल रही है. मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस आपकी किडनी में हो गई, मान लीजिए आपके ब्रेन में हो गई या आपके किसी भी ग्लैंड को उसने कवर कर लिया तो फंक्शन ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा. नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिजीजेस. ऑटो इम्यून डिजीजेस वो होती हैं जो अपने ही ऑर्गन को अपने ही इम्यून सिस्टम किल करने लगती है. मान लीजिए आपके एड्रेनल ग्लैंड में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन आ गया और आपके इम्यून सिस्टम ने उस इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन को किल करने के चक्कर में आपके हेल्दी सेल्स को भी
किल कर दिया, या तो आपके पूरे ऑर्गन को वो एनिमी समझने लगी और उसने पूरे ऑर्गन को डिस्ट्रक्ट कर दिया। इस तरह से ऑटो इम्यून डिजीजेस वर्क करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फेक्शन की अगर बात करें तो HIV इज द मोस्ट डेंजरस और ये हब है डिजीज कंडीशन का। तो HIV एड्स की वजह से क्या होगा, आपकी इम्यून सिस्टम एकदम जीरो हो जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो वो वायरस जो कि ह्यूमन की इम्यून डिफिशियंसी कर देता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को डेफिसिट कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ ये क्या कोई भी डिजीज कंडीशन पेशेंट को लग जाएगी। नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन में भी अटैक कर चुका हो और टाइम पे उसको ट्रीट नहीं किया गया हो और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका। नेक्स्ट है आपका कंजनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजनाइटल मालफॉर्मेशन मींस होता है कि वो मालफॉर्मेशन जो कि बाय बर्थ आपको मिले, हो सकता है कि बाय बर्थ बेबी का ये एड्रेनल ग्लैंड कंप्लीटली बने ही ना, या वन एड्रेनल ग्लैंड एब्सेंट हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसकी वजह से हार्मोन की डिफिशियंसी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एड्रेनल हैमरेज। तो किसी भी इंजरी की वजह से, क्या पता सर्जरी किडनी की हो रही हो और हैमरेज आपके ग्लैंड में हो गया हो, हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई कह सकते हैं कट लग जाए, या इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई इंजरी हो जाए, हार्म हो जाए, जिसकी वजह से हार्मोन डिसबैलेंस हो गए हैमरेज की वजह से। एड्रेनल इन्फार्क्शन। एड्रेनल इन्फार्क्शन मींस होता है, इन्फार्क्शन मींस होता है व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द इनफ ब्लड सप्लाई। जब आपके ग्लैंड में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, नहीं होने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो सेल्स होंगे एड्रेनल के ग्लैंड के, वो रप्चर हो जाएंगे, नहीं तो वो डेड हो जाएंगे और डेड सेल्स अपना काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेप्सिस। हो सकता है कि किसी वजह से आपको अंदर सेप्सिस हो गया हो, टॉक्सिसिटी बढ़ गई हो, जिसकी वजह से आपके अंदर के ग्लैंड्स है या ऑर्गेन्स है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो हो सकता है कि एक्सीडेंट की वजह से ब्रेन में इंजरी आ गई हो, ब्रेन की इंजरी जो है वो आपके हाइपोथैलेमस में आ गई हो, मे बी उसकी जो टिश्यू डेथ हुई हो वो पिट्यूटरी ग्लैंड की भी टिश्यू डेथ हो गए हो, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया। एंटीकोगुलेंट्स थेरेपी। हो सकता है कि आपका थ्रोम्बस, आपको कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया हो। थ्रोम्बस क्या होता है, क्लॉट होता है, जिसकी वजह से एंटीकोगुलेंट आपकी थेरेपी चल रही है। तो ये डायरेक्टली किस पे इंडिकेट करती है, इंडिकेट करती है कि हो सकता है थ्रोम्बस प्रॉब्लम हुई हो, और अगर कहीं पर थ्रोम्बस प्रॉब्लम हुई है और इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ऑर्गन्स पे ब्लड सप्लाई सफिशिएंट नहीं जा रही है और ऑर्गन अपना काम नहीं कर पा रहे, उसी तरह से हो सकता है थ्रोम्बस एड्रेनल ग्लैंड में बन गया हो, नहीं तो पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास बन गया हो, नहीं तो आपके ब्रेन में बन गया हो। नेक्स्ट आ जाते हैं एड्रेनल सर्जरी। तो मे बी एड्रेनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर हो जिसकी सर्जरी की गई हो, सर्जरी की वजह से वो सर्जरी बाद में आपको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस दे रही है, हो सकता है कि सर्जरी ठीक से ठीक ना हो पाई हो और अंदर उसने इन्फेक्शन कर दिया हो। नेक्स्ट है आपका रीनल ट्यूमर। तो ट्यूमर का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जहां जहां भी ट्यूमर होगा वहां वहां एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो जाएगी और नॉर्मल फंक्शन ऑफ दी सेल्स डिले हो जाएंगे। रीनल मींस होता है किडनी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द पैथोफिजियोलॉजी। सो इन पैथोफिजियोलॉजी एज ऑलवेज हम इटियोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे। तो इटियोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके अटैक कहाँ पे हो रहा है, और अगर अटैक नहीं हो रहा है तो इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है, आपके एड्रेनल ग्लैंड पे। चाहे वो प्राइमरी कॉज हो चाहे वो सेकेंडरी कॉज हो, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एड्रेनल ग्लैंड ही अफेक्टेड है। तो वंस योर एड्रेनल ग्लैंड गेट्स अफेक्टेड, व्हाट विल हैपन, देयर विल बी वीक और फेलियर इन अ फंक्शन ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। सिंपली आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स या तो फेल हो जाएगा हार्मोन निकालने में, या तो वीक हो जाएगा हार्मोन निकालने में, जिसकी वजह से आपके अंदर साइन एंड सिम्टम्स आ जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिसन डिजीज टिल पैथोफिजियोलॉजी। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। मैंने आपके लिए इजी से इजी नोट्स बनाए हैं, आप देख सकते हो मेरे हैंड रिटन है और मैंने बहुत इजी आपके लिए नोट्स बनाए हैं। इवन मैंने एक्सप्लेनेशन भी काफी इजी दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिए।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही ले आऊंगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिकॉशंस टू। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।